ओम शांति। कुछ लोगों का प्रश्न है कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, धन की कमी भी नहीं है, तो क्या फिर भी योग लगाना या अध्यात्म में चलना जरूरी है? हम कहते हाँ, अभी नहीं है, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं। समय सदा परिवर्तन होते रहता है, कब कौन सा वक्त आ जाए कुछ कह नहीं सकते। हम कहते हैं कि बहुत जरूरी है। एक पंडित जी ने, उस जमाने की बात है जब 1 रुपये 2 रुपये की भी बहुत कीमत होती थी, 500 रुपये इकट्ठे किए और एक सेठ के पास रख दिए, भैया ये मेरे 500 रुपये रखो और कहीं पे ब्याज पे भी देना हो तो दे देना, अपनी बेटी की शादी के लिए रख रहा हूँ, बड़ी हो जाएगी तो मैं आपसे ले लूँगा। उसने कहा ठीक है, पंडित जी ने रख दी। और कुछ साल बीत गए, बिटिया बड़ी हो गई, सयानी हो गई, एक अच्छे लड़के के घर से संबंध भी आया और सेठ जी को पसंद भी आ गया और उन्होंने हाँ किया। उन्होंने, पंडित जी ने सेठ जी के पास गए और कहा, सेठ जी मैंने कई साल पहले आपके पास 500 रुपये रखे थे, कृपया अब मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है तो मुझे वो 500 रुपये मेरे लौटा दीजिए। उसके मन में बेईमानी आ गई कि कहीं कुछ लिखा पड़ी तो की नहीं थी। उसने कहा कि तुमने मुझे कब 500 रुपये दिए थे? का याद करिए, मैंने बहुत साल पहले आपके पास रखे थे कि मेरी बेटी की शादी के लिए है, जब वो बड़ी होगी तब मैं आपसे ले लूँगा। वो ऐसे ही दिखावे के लिए अपनी डायरी के पन्ने पलटते रहे, कहा नहीं भाई, मेरे इसमें तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि तुमने कोई पैसे मेरे पास जमा किए हैं। पंडित जी बहुत गिड़गिड़ाए कि देखिए मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैंने 500 रुपये आपके पास रखे थे। उसने कहा मेरे पास कोई लिखत नहीं है, जाओ तुमको जो करना हो कर लो, मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं। पंडित जी बहुत दुखी हुए, करें तो क्या करें। एकदम से उनके मन में ख्याल आया कि राजा के पास शिकायत करें, शायद वो कुछ कर दें। और पंडित जी राजा के पास पहुँचे और आप बीती सारी सुना दी कि महाराज ऐसे ऐसे उस सेठ दुकानदार के पास मैंने कई साल पहले 500 रुपये रखे थे और ये कहा था कि बेटी की शादी के समय ले लूँगा, लेकिन अब वो देने से मुकर गया है, आप मेरी कुछ मदद करें। राजा ने कहा कल हमारी सवारी निकलेगी, आप उस दुकानदार के दुकान के सामने खड़े रहना, बाकी तुम्हारा नसीब। दूसरे दिन राजा की पूरे राज्य में सवारी निकली और जब सवारी उस दुकान के सामने पड़ी जहां वो पंडित जी खड़े थे, तो राजा ने उनको प्रणाम किया और कहा अरे गुरु जी आप यहाँ कहाँ खड़े हैं, आइए आइए, और अपने ही रथ पर उनको भी बिठा लिया और सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। और कुछ दूर जाने के बाद राजा ने पंडित को कहा कि मैंने अपना कार्य कर दिया, अब आप अपने कार्य पर जाएं। पंडित जी उतर गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि राजा ने ये क्यों किया, लेकिन राजा की सवारी निकलने के बाद दूर झाड़ के नीचे चिंता में बैठे रहे कि पैसे तो मिले नहीं, 1 मिनट का सम्मान मिला, और चिंता में ग्रस्त बैठे थे। और यहाँ पर उस दुकानदार ने देख लिया था कि ये पंडित जी की तो बहुत लंबी पहुँच है, राजा उनको गुरुजी कह के बुला रहे, अपने रथ में बिठाया, अगर इसने राजा से मेरी कंप्लेन कर दी तो मेरा तो बहुत बुरा हाल होगा। और तभी उन्होंने, सेठ जी ने सारा हिसाब किताब जोड़ा निकाला और अपने सेवक को वो पंडित जी को ढूंढने के लिए भेज दिया। पंडित जी को ढूंढते ढूंढते जब वो सेवक पेड़ के नीचे आया और कहा आपको सेठ जी बुला रहे हैं, तो कहा आप क्या बुला रहे हैं,
अब क्या करना है? मना तो कर दिया मेरे पैसे देने के लिए, अब आके क्या करूंगा? कहा आप चलिए तो। और पंडित जी को ले गए, और जैसे ही पंडित जी पहुंचे तो वो सेठ ने प्रणाम किया, गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि आपके जैसे पंडित तो झूठ नहीं बोल सकते, और मैंने अच्छे से सब बही खाते चेक करने के लिए कहा, और सब बही खाते चेक किए तो उसमें लिखा मिला, इतने साल पहले आपने जो जमा किए थे उसके ब्याज के साथ 12,500 रुपये होते हैं आपके 500 रुपये के, और आपकी बिटिया की शादी है तो 1,000 रुपये मेरे तरफ से भी, तो ये 13,500 रुपये आपके हैं, और ये आपकी अमानत आप ले लीजिए। एक राजा के थोड़े से संग से उस पंडित का इतना भला हो गया, तो वो सर्वशक्तिवान जगत नियंता परमात्मा से अगर हमारा संबंध होगा तो क्या दुनिया की कोई शक्ति है कि जो हमारा कुछ बिगाड़ सके? उस परमात्मा का संग सदा हमारे साथ रहेंगे तो क्या हमारे साथ कोई बुरी बात आ सकेगी? आपने ठीक कहा कि आपके पास अभी कोई परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो हम तो यही चाहते हैं कि सारा संसार सुखी हो, लेकिन समय को बदलते, बातों को, परिस्थितियों को बदलते समय नहीं लगता, और उस समय एक ईश्वर ही आखिरी आसरा बच जाता है। अच्छे समय में भी उनको साथ रखिए, बुरे समय में तो सब याद करते ही हैं। कहते हैं ना, दोहा है ना, आप सब तो जानते ही होंगे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो हम सब ईश्वर को याद करते ही हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई दुख नहीं है, आप सुखी हैं, आपके पास सब चीज से संपन्न है, भरपूर है, ऐसे समय में भी ईश्वर को साथ रखेंगे तो और भी आपका भला होगा, औरों का भी आप भला कर सकेंगे। तो परमात्मा को कम मत आंकिए। मनुष्य का, मनुष्य की भावनाओं का, उसके नेचर का कुछ भरोसा नहीं। हर चीज हर पल परिवर्तन हो रही है, कब किसकी नियत बदल जाए, कब किसका भाग्य बदल जाए, कोई छोटा सा बहुत भाग्यवान बन जाए, कोई बहुत धनवान है वो रोडपति बन जाए, अरबपति से भूकंप आया था, जो अरबपति खरबपति थे लातूर में, रोड पे लाइन में भीख में खाना ले रहे थे, एक दिन पहले अरबपति थे, दूसरे दिन रोडपति बन गए, तो किसका कब क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए हम कहते हैं कि दुख हो तभी परमात्मा को याद मत कीजिए, हर वक्त उस परमात्मा को याद करें, उस परमात्मा को साथ बनाए रखें, कैसी भी बात हो वो हर बात में संभाल लेगा। ईश्वर कोई फैशन की चीज नहीं है कि हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर हमारे जीवन का अंश है, हम उस ईश्वर की संतान हैं, और आत्मा को, हम मनुष्य आत्मा को वो परमात्मा के सिवाय और कोई इतना सुख शांति प्रेम नहीं दे सकता। संतुष्टता आती है ईश्वरी सुख से, ईश्वर की गोद में झूलने से, और वो ईश्वर की गोद में झूलने का आनंद प्राप्त करने के लिए निरंतर ईश्वर से हमारी तार जुटी रहना चाहिए। हमारा मन जैसे दुनिया में, बच्चों में और व्यवहारों में लगा रहता है, परमात्मा से भी लगे रहना बहुत जरूरी है। और अगर ये बात, इस सत्य को आप स्वीकार लेते हैं, फिर आप देखेंगे जीवन में आपसे कितने अच्छे श्रेष्ठ कर्म होते हैं, और वो श्रेष्ठ कर्म ही आपके आने वाले जीवन के भविष्य को बनाने में आपके बहुत सहयोगी होंगे। क्योंकि इस जन्म को तो हमने सुधार लिया, आप पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करके आए हैं, इसके लिए आपके पास अभी सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले और जीवन के लिए भी तो कुछ करना है। एक व्यक्ति बहुत कंजूस थे, बहुत धनवान थे, लेकिन कभी 5 पैसा दान नहीं करते थे।
अभिमान था, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। एक दिन भोजन कर रहे थे, एक सन्यासी आया, महाराज थोड़ा सा गरम ताजा भोजन मिल जाएगा? सेठ जी तो बड़े कंजूस थे, अब शब्द कह दिया। बहु बहुत सयानी थी उनकी, बाहर आई का सेठ जी, महाराज जी आप दूसरे घर से भोजन ले लीजिए, सेठ जी तो खुद बासा खाना खा रहे हैं। ठीक, महात्मा जी आगे चले गए। अंदर ससुर जी ने सुन लिया, कहा तूने उस फकीर से क्या कहा कि मैं बासा खाना खा रहा हूं? तो खुद ताजा बना के खिला रही है और उससे कहा कि मैं बासा खा रहा हूं। अब ये पूरे राज्य में जाके कहेगा कि इतना बड़ा सेठ और बासा खाना खा रहा है। बहू ने हाथ जोड़ के कहा, बाबूजी माफ करिए, ये बासा ही खाना तो है। कहा कैसे? कहा 20 साल हो गए इस घर में आए, मैंने कभी आपको 5 पैसे दान करते हुए नहीं देखा। जो इस जन्म में खा रही है पहले जन्म का ही तो है, पहले जन्म में पुण्य करके आए उसका ही तो भाग्य खा रहे हैं आप। एक दिन पहले का भी भोजन बासा कहलाता है, आप तो कितने जन्म पहलों का खा रहे हैं, तो ये बासा ही तो हुआ। और उसी समय सेठ जी की आंखें खुल गई, उसी समय वो महात्मा जी को बुलाया और उनको भोजन कराया और माफ़ी मांगी, और उस दिन से उन्होंने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। एक बात ने आँख खोल दी। आप सबसे कह रहे हैं आप सुखी हैं, संतुष्ट हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे के जीवन के लिए भी, अपने पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए, अच्छी समझ के लिए, उस परमात्मा को याद करें, अध्यात्म के मार्ग पर चलें। आपके शहर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा जरूर होंगी। विस्तृत से ज्ञान को समझें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। और कोई आपके सवाल, सुझाव या आप किसी बात का समाधान चाहते हैं या कोई प्रश्न आपके मन में है तो ज़रूर हमें लिखें या हमें फ़ोन करें, उस पर भी हम अवश्य प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ओम शांति, नमस्कार।